यार तीनों उड़ गए ना पीनू। चलो चलो मेरा बच्चा। ये रहा सुबह का नाश्ता। जैसे आपको देख के पता चल रहा होगा कि नाश्ता पूरा ऐसे ही रखा है और चाय यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि रात को मेरी और अयुब की जो मचमच हुई है, तो उसी के वजह से नाश्ता भी ना मैंने किया ना उसने किया, सिर्फ चाय पी है। और अभी बताती हूँ और क्या हुआ। मुझे घर के काम भी शुरू करने हैं, और जैसे पहले भी अयुब घर से बिना बताए ऐसे चले गए थे, उसी तरीके से आज भी बैग उठा के चले गए, कुछ बोले भी घर। अब अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि मैं भी अब बहुत थक गई हूँ सब दुनियादारी निभाते निभाते निभाते। क्योंकि मैं खामोश रहती हूँ तो कुछ और बातें सुनने में आती, कुछ और बातें बोली जाती है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत बातें हिंट देनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना हमारी गलती नहीं होते हुए भी हम बहुत सारी गलतियों का खामियां भुगतते हैं। उस तरीके से मैं भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं गलती नहीं करी हूँ, मेरे बच्चों ने गलतियां नहीं करी, लेकिन उसका खामियाजा हम बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से भर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि जब अल्लाह पे आप छोड़ दो ना, तो उसका इंसाफ जो आप सोचते हो ना उससे ज़्यादा बढ़कर मिलता है। तो मैंने मेरे अल्लाह पे छोड़ी हूँ। जो भी है, आपको सब लोगों को पता है कि दुनियादारी में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। और रही गरीब नवाज की बात, गरीब नवाज के लिए तो मेरी जान कुर्बान है। अगर मैंने गरीब नवाज की बात लेके कुछ बात करी हो तो सामने वाले ने भी कोई कुछ बात करे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दो हाथ लगते हैं। तो बस बाकी जैसा भी रहेगा देखेंगे आगे। अभी फिलहाल तो दिल दिमाग बहुत अपसेट है, तो अल्लाह से बढ़ के कोई चीज़ खुशी नहीं दे सकती आपको। और इन दिनों बस मेरे अल्लाह का सहारा लेकर मैं रहती हूँ। तो चलो अब लगाती हूँ तिलावतें और बस अपने माइंड को थोड़ा सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करती हूँ। तिलावतें भी खत्म हुई, घर का काम भी जैसे कि शुरू ही है, और उसी के साथ में जैसे लग रहा होगा आपको ऑयल, तो मैंने करवाई हूँ मालिश, क्योंकि ठंडी हल्की हल्की शुरू हो गई। और हमारी खानदानी बीमारी है वात की, मेरी अम्मी को थी, मेरे मामू लोग को थी, उसके बाद मेरी खाला को भी है, और मेरे घर में मेरे बड़े बेटे को भी हो गई है। उसको भी अभी से हाथ पैर इतने पेन होते, अभी तो अमीन भी बोलने लगा कि बहुत बॉडी पेन होती है मम्मी। मेरी खाला को, मेरी जो मेरे बाद मेरी बहन है उसको, मतलब तो हमारे खानदानी ये चीज़ है वात की। तो अभी आज मैंने सुकून जो तेल होता है ना, सुकून तेल से करवाई, ताकि उसकी जो तेल की कशिश है वो अंदर तक जाए, थोड़े अंदर से आराम पड़े। और उसके साथ साथ जो अखरोट भिगाई थी, तो अभी सोच रही थोड़ा छिलके उसको खाओ, चाय पीने की इतनी तलब लग रही है, दूध है ही नहीं। तभी तो अमीन को फ़ोन की, उज गया है जिम, तो बोला ठीक है मम्मा नारियल पानी और दूध लेकर आता हूँ। और उसके बाद में थोड़ा सा कुछ मीठा भी बनाना है, बताती हूँ क्यों बनाना है। उसके बाद आगे आगे जैसे रहेगा देखेंगे। मेरा बेटे का नाम ली, मेरा बेटा हाजिर, क्या लाया दही? वो मैं नहीं खाऊंगी बाबा, दूध, ये नारियल पानी और ये दूध, ये मेरे काम की चीजें। जब बोल चाय बनाने की, ये दही बहुत अच्छी है, थोड़ी खाना टेस्ट करती है, टेस्ट करती है। अच्छा मैं आज कमेंट में पढ़ी कि किसी ने कहा कि जो ये मेरा सदके का जो मैं पैसा डालती हूँ, तो ये डब्बा कटा हुआ है। तो मैं इसीलिए खास आपको ये चीज बताना चाहती थी। तो मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें हैं मैं इग्नोर करती हूँ, जैसे मैंने आज अयुब की बात भी कुछ आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर करी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें अभी होनी जैसे बोलनी चाहिए तो बहुत ज़रूरी है उसको बोलना। ये इसलिए कट हुआ है क्योंकि ये पूरा भर चुका था। और जैसे मैं ये सदके का पैसा हो, या फिर कहीं पे मैं जाती हूँ तो इमाम जामिन का पैसा हो, या कुछ चीज़ें मैं लेती हूँ तो उसका निकालती हूँ, तो इसमें मैं डालती रहती हूँ, तो ये भर जाता है। नीयत ये रहती है कि कोई ज़रूरतमंद हो जो ये पैसा उनको ज़रूरत लगे, तो मैं वो पैसा उनको देती हूँ। जब मुझे कोई आता है मांगने और ज़रूरत होती है ना, तो ये पैसा मैं देती हूँ उनको। तो इसीलिए मैंने ये जब कट करके उनको पैसे दी थी, तो अभी तो ये आधा हो गया। जब उस टाइम मैंने दी पूरा फुल भर गया था। और ये पैसे, इसमें सिर्फ पैसे डाले जाते हैं, इसमें निकालने का किसी का हाथ नहीं जाता है। तो मैंने बोला छोड़ो अभी दूसरा जब लाएंगे तब लाएंगे, लेकिन डेली तो निकालना पड़ता ही है, तो इसीलिए इसमें डालना आसानी पड़ती है। तो आप लोगों का सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये तो ज़रूर मेरे हेटर्स जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते, ये वही लोग लिखे होंगे।
तो आपको सुकून मिला होगा, तो इंशाल्लाह अभी दूसरा सवाल का आप क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि ये ब्लॉग में आप दूसरा सवाल करोगे तो वो मैं कल जवाब दूंगी आपको। गाँव की टमाटर देखना, टमाटर देखो गाँव की। ओ देख मैं कांच के ग्लास ढूंढ रही थी कितने दिन से, ओ देख और मैं वही बोली मैंने एक्स्ट्रा ला के रखी हूँ, खाली ग्लास ले ले नया बेटा, खाली ग्लास ले ले चाय कितने, नहीं नहीं मिलेगा तेरा हेलमेट कहीं ना कहीं रखा, वो मत लेकेगा बेटा अंदर, वो फेंक दे, खाली ग्लास ले लेते ट्रे में। और ये कितना मैंने ऑनलाइन मंगाई हूँ, डेंटा गया रखे रखे इस पे, नहीं ये डेंट नहीं आ गया, अपन मंगाने में डेंट आया तो मैं नहीं बोली मेरे को नहीं यूज करना, इसलिए छोड़ दी थी। क्या फायदा है आपका? ओ ओ ओ मिल गया मम्मी, देखो मैंने ये तीन चेक किया, एक ही चेक नहीं किया था, मैं एक नहीं ढूंढा, बाकी सब ढूंढ लिया था। सही है मेरे को मेरी चीज मिल गई। और वो बॉक्स में कुछ है, वो भूल गया, वेलवेट मिल गया, देखते थे कुछ है इसमें, और इतनी अच्छी अच्छी चीज मिल रही, इससे भी देखना कुछ हो जाएगा। तो भारी है क्या? हेलमेट दिख रहा है ना, अरे माँ गाड़ी का नंबर प्लेट है मेरे, अच्छा हुआ काम आएगा, नहीं शादी का गाड़ी है। चलो भाई हमारे काम की चीजें मिल गई हमको, अरे वो अरे वो वहीं फेंक दिया, देखा लेके जा उसको ट्रे में लेके आ, ट्रे में ग्लास रख के लेके आ, चलो मेरे किचन में दूर रखे है तेल, इसको खुशी में मैं बाहर भाग कर आ गई, तेल ही अच्छा हुआ ज्यादा गर्म नहीं हो रहे, अच्छे से तेल गर्म हो गया, देख क्या वेजिटेबल बनने वाली आज, मस्त एकदम, बनाओ बना के फिर खाने के टाइम पे इसके चेहरा दिखाती हूँ ताकि आपके मुंह में भी थोड़ा पानी आ जाए। मस्त बन गई भाजी और उसके साथ में एक पराठा, और अमीन मेरा बेचारा सुक्का मुक्का खाना खाता है, चिकन सुक्का, ब्रेड सुक्का, आदमी भी सुक्का। अभी तेरे दोस्त को बोल दे फोन रख दे और चुपचाप से खाना खा ले, हाँ पहले खाना खा ले, आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए, और बहुत मस्त भाजी बनी है, बहुत मस्त भाजी बनी है, चिकन भी अच्छा है, मस्त एकदम मस्त ना, क्या नाक में खा के मस्त मजा आ गया। और आजकल आपको पता है मैं जल्दी सोने चली जाती हूँ, तो उतने में आ गया मेरा पार्सल, क्योंकि कौन सा पार्सल आता है, वी फास्ट, वी फास्ट का जो पार्सल होता है वो 4 घंटे में आपको कोई भी टाइम पे मिल जाता है, तो ये पार्सल आया है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो ये मैं कल, मेरे इंस्टाग्राम का क्लाइबेशन का पार्सल है, और ये जो मैं कल गई थी ना जिनके घर, तो वो बच्चों ने क्या पता बोले कि आपकी वजह से ना आंटी हम लोगों को ना हुक्का पीने मिलता है, क्योंकि मम्मी हम लोगों को कभी हुक्का पीने नहीं देते, और आपको देख के आंटी ने मम्मी ने हम लोगों को अलाउड किया, क्योंकि उनकी मम्मी मुझे आई थिंक 5 से 6 साल तक देखते, टिकटॉक के टाइम से देखते थे, और इतने खुश हो गए मुझे, उनकी खुशी के लिए ही गई थी मैं, और बाकी और कुछ चीज की आस भी नहीं थी, बच्चों ने मुझे बोले आपकी वजह से मम्मी ने हम लोगों को हुक्का पीने का परमिशन दिया ना आंटी, तो ये आपका हक बनता है, मैंने बेटा मैं डबल एप्पल नहीं पीती हूँ, तो बोले आंटी पी के देखो, मैंने अगर नहीं अच्छा लगा तो वापस भेजो, बोले इधर वापस का कुछ काम नहीं है। और फिर बड़ा वाला जो मैंने आपको बताया ना पायलट जो है, बोला अच्छा अच्छा आंटी आपको डबल एप्पल नहीं होगा तो आपको ये सब अच्छा लगेगा, वो तो इतना सारा लेके आया, मैं बोला बापरे इतना सारा, बोला अच्छा एटलीस्ट इतना तो ट्राई करो आंटी, तो ये उन्होंने ये ट्रायल के लिए दिया मेरे को, और वो एयर इंडिया के पायलट है, मुझे बोले आपको जो अच्छा लगेगा बताना, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका महीने में 3 से 4 बार जाते हैं, तो मुझे बोले आपको जहाँ का फ्लेवर चाहिए आंटी बताना मैं लाके दूंगा, तो जजाक अल्लाह, अल्लाह ऐसे ही बच्चे रखे। और उन्होंने मैं उनके बच्चों की तारीफ कर रहे थे, आपको पता है वो मेरे बच्चों की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो इतने साल से मुझे देखते हैं, और एक बात उन्होंने इतनी अच्छी बोले, खैरुन्निसा आपा नाम है उनका, बोले कि मेरा बड़ा लड़का जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था मैं नहीं भेज रही थी उसको, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, अल्लाह का बच्चा बना के छोड़ दे, सब होगा, बोले मेरा बच्चा गया सीख कर भी आया, पायलट भी बन गया, तो मेरे को भी बोले कि सब चीजें ना, मैं ऐसा टेंशन ले रही थी, सही बात है, मैं बता रही थी मेरे बच्चों के बारे में कि मैं बहुत अपसेट रहती हूँ, जो नहीं होना चाहिए वैसा मेरे बच्चों के साथ हो गया मेरे प्यार की वजह से, पर सब अल्लाह के ऊपर छोड़ो, अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे तो अल्लाह के फैसले अल्लाह जानते, तो मैंने भी सब वही छोड़ तो दी हूँ अल्लाह के नाम पर। और ये
मेरे को नाम देख के हंसने लगे, बोलते ये देखो कौन सा नाम है वर्षा जी। ये आपा ने मेरे को जबरदस्ती का नाम का, मैं बोली मैं ये सब ब्रांड नहीं यूज करती हूँ। आपा तो हंसने लगे, नहीं ये तुमको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी थैंक यू। और माशाल्लाह जैसा भी दिन था, जो भी था, अप डाउन होते होते दिन गुजरा है। और लेकिन मैंने अभी एक फैसला करी हूँ कि अपनी हिम्मत अपनी है, अपनी सोच अपनी है, चाहे उसके लिए कितने भी कोई सगे वाले हो, जितने भी, क्योंकि मैं सबका रूप देखी हूँ, इवन मेरे हस्बैंड का भी देखी हूँ। और आप भी देखते हो कि जब जहाँ जरूरत होती है तो वो मेरे साथ खड़े नहीं होते, लेकिन ये है कि साथ निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ निभाना किसको कहते पता है, जब हम मुसीबत में हो ना, उस टाइम जो हमारे साथ हस्बैंड हो, बच्चे हो, या फिर कोई रिलेटिव हो, जो साथ में दोस्त हो, जो साथ में खड़े है ना, उसी को कहते हैं कि असली हमदर्द। तो खैर कोई बात नहीं, होता है लड़ाई झगड़ा, तो 7 साल से हमारे घर में चल रहा है। अब ये नहीं मालूम मुझे क्या होगा क्या नहीं होगा। पहली बार में कुछ बातें बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसीलिए आप लोगों के सामने बोली। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी होगा जो भी होगा देखा जाएगा। खुश रहिए हमेशा हमेशा, और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा अपने हाथ में रखिए। आज तो किचन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, चाय बनाने को रख दी हूँ, सैंडविच बनाने को रख दी हूँ, सब समेट के रखी हूँ कचरा बाहर डालने के लिए, और ये जो कल मिले थे ग्लास वो निकाली हूँ सब धोने के लिए। और आज पता है मैं सर्फ नहीं डाली हूँ, आज डाली हूँ लिक्विड, देखती हूँ लिक्विड में कैसे कपड़े निकलते हैं। आज के नारियल, एक नारियल पानी में 2 ग्लास पानी निकला, मज़ा आ गया यार। सुबह सुबह एक पे एक फ्री नहीं है, पैसे देकर मंगाई हूँ, बट ज़्यादा आता है तो नारियल पानी मज़ा आ जाता है। वेजिटेबल सैंडविच, चाय, और जो रात को सब्जी बनाई थी ना, तो उसको मैंने कीमा बनाई और मस्त उसकी बनाई हूँ वेजिटेबल सैंडविच। एक मैं खाऊंगी, एक अमीन खाएगा, और मैं पीऊंगी चाय। कर लिया मैंने चेंज, लेकिन यह है कॉटन की ड्रेस पहनी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जैसे जा रही थी एक काम से, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी दरमियाना दूरी पे ही थोड़ा थोड़ा 2-3 काम है, तो मैं बोली चलो जो इतना होता है उतना पटा के आऊँ। तो अमीन बोला इतने सारे काम लेके निकल रहे हो, मैंने बोला बेटा जितना होता उतना तो कर आते हैं, तो बोला हाँ ठीक है। और उसी के साथ साथ जैसे मैं बता रही हूँ आपको, कॉटन की ड्रेस पहनी हूँ, तो ये फिर से मैंने बैंकॉक से लाए हुए जो ज्वेलरी बनाई हूँ, ब्रेसलेट, रिंग और ईयरिंग। गले का तो नहीं पहनी हूँ क्योंकि इसका गला काफ़ी छोटा है, और दिल भी नहीं चाह रहा क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना, तो बहुत एकदम इरीटेट होने लगता है। और बाल को कर रही हूँ एकदम ड्राई, क्योंकि इससे रिलेटेड काम है ना जो जा रही हूँ मैं, तो ये थोड़ा सा मेरे सूख जाए बाल तो फिर निकलूँ। और बाकी तो कुछ नहीं यार, ठीक है चलो अब निकलते हैं, जैसे भी रहेगा देखेंगे। ये मेरे बिल्डिंग का पीछे की तरफ का हिस्सा है, और पहले यहाँ पे ना आम का झाड़ था, और हमारे फ्लोर तक इसका जो लेंथ थी बड़ी थी। हम लोग ऐसे देखते थे, बच्चे मेरे को बोल बोल के बुलाते थे, मम्मी मम्मी देखो वो आम पका है, मम्मी देखो उधर कितना बड़ा आम है। तो आज कुछ मेरा चीज़ गिर गई थी, तो वो लेने के लिए आई यहाँ पे नीचे। और मैं कहती हूँ ना, जो चीज़ जहाँ से गुजरो और वहाँ की कुछ यादें होती, तो इंसान ऑटोमेटिकली वो बातें करने लग जाता है। और ये पीछे का रास्ता है जहाँ से मैं मेरे अली को रोज़ स्कूल छोड़ने आती थी, क्योंकि मेरी सोसाइटी के थोड़ी बाजू में ही, मतलब पीछे से रास्ता निकलता है, वहीं पे उसकी स्कूल है, तो यहीं से सब जाती थी और यहीं से आती थी। और यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी स्कूल की फ्रेंड लोग थी, जो मैं शाम को बैठ के मैं थोड़ा टाइम पास भी करती थी। अभी तो बच्चे कितने बड़े बड़े हो गए। कर दिया चेंज, मैं जो बता रही थी ना कि कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर रही हूँ आजकल, जैसे कि घर में सेटिंग, सोफे की सेटिंग हो, या फिर वॉल की सेटिंग हो, या फिर मेरे हेयर की। तो ये जो मेरे हेयर है ये मेरे ओरिजिनल है, मैंने एक्सटेंशन जो है वो निकाल दी हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी निकालूँ, क्योंकि मैं एक्सटेंशन, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं कम से कम एक्सटेंशन लगाते 7 साल हो गए, इतने डिज़ाइन, इतने स्टाइल और इतने लॉन्ग मैंने एक्सटेंशन यूज़ करी हूँ ना, मुझे खुद को भी नहीं पता, और सब मेरे पास रखे हुए हैं। पर अभी पता नहीं क्यों इन दिनों मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा एक्सटेंशन निकालूँ। मुझे लाख लोगों ने बोला, मैं कभी लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दी, मुझे जैसा रहना है जैसा पसंद है, मैंने लाइफ में हमेशा अपने डिसीजन और अपनी बातों पे ही रहती हूँ। तो मेरा दिल चाह रहा था 2-3 दिन से अपने बाल निकालूँ, तो निकाल दिया। अमीन को भी नहीं पता है, अमीन को पता ही नहीं, मैं अमीन को अली रुक जा मैं जरा बाल सेट करके आती हूँ, अभी वो देखेगा तो बोलेगा क्या चेंज लग रहा है, तेरे को पता नहीं था ना। मैं इसको बोली रुक जा मैं बाल चेक वो करा के आते, सेटिंग कैसे लग रहे हैं। ये ओरिजिनल मेरे बाल है, बस ये है कि मुझे लेंथ का बहुत शौक रहता है ना, क्योंकि मैं जब यंग थी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा लेंथ में थे, गिर गए टाइफाइड की वजह से, तो इसीलिए अभी भी थोड़ा सा लॉन्ग के
जो भूत है ना वो उतरा नहीं है। इससे अच्छा इनकी लग रहा है, ये थोड़ा अलग है डिजाइन। बताओ वो थोड़ा अलग है, वो भी अलग है पर एक्चुअली दूसरे का है। इसका ये नहीं कौन सा, इसका सेम है, दोनों में एक ही रहेंगे। अच्छा एक ही रहेंगे पर ये ज्यादा अच्छा है, ये अलग होगा कुछ। एक ही है कि दूसरा छोटा है बस। ये छोटे कौन सा अच्छा लग रहा है? नीचे वाला मेरे को भी यही पसंद। पूरा न्यू टेंपल, नीचे वाला तो बड़ा है ना उससे भी। नहीं नहीं ऐसा बैठा सकते हैं ना कि फिटिंग, तो ये तो इसमें दो पीस कम कर सकते हैं। बताओ इसको एकदम टेंपल ज्वेलरी ना, प्योर टेंपल ज्वेलरी। और मुझे आज ही पता चला कि वो वहाँ पे साउथ में इसको मंदिर में बैठ के बनाते हैं, उसकी खुशबू ही अलग आ रही जब इसको ओपन किए तो। कौन सा अच्छा लग रहा है अंकित? ये अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, दोनों अलग चीज है, दोनों दूर से सेम है। नहीं सेम है। थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं मम्मी का फेस। बताओ अब अवेलेबल माल नहीं है। वाओ बहुत ब्यूटी लग रही है, मस्त लग रही है। इसको शॉर्ट करा के ले लो ये टेम्पल वाली। इसमें लक्ष्मी जी विराजमान है, क्या करूँ, ले जाऊँ कि अपने घर पे लक्ष्मी जी को। मम्मी का हो गया तो अभी बेटी की बारी है, बेटी की शॉपिंग करने आई हूँ। बेटी की शॉपिंग आपको पता है मेरा बच्चा क्या खाता है, बस लिक्विड खाता है या फिर ड्राई खाना खाता है, तो उसका ही खाना लेने को आई हूँ। उसको खेलने के लिए कुछ टॉयज लेना, नहीं टूना मत लेना, चिकन लेना। हाँ वो चिकन खाते ना बेटा, चिकन। हाँ सैलमन लेना और चिकन लेना, टूना मत लेना, फिर वो उसमें स्मेल बहुत आती थी उसकी पॉटी में। और उसके लिए खेलने के लिए कुछ टॉयज देखना मुझे। ये अमीन ये देखो, ये किटन का है अमीन। क्या बताए, कोई दूसरा फ्लेवर है शायद, क्या दूसरी कंपनी का है, ये सेम चीज है, सेम का है कुछ तो वो जो है ना। और ये क्या बेटा, ये वाला देख, ये देख अमीन, ये नो सॉल्ट नो सोडियम के, ये मैकरेल। अच्छा मैकरेल फिश है मम्मी, है ना, देखती हूँ खाएगी पी लूँ। थोड़ा आवाज कम है इसमें, देखो ये लेकर आया पीनू के लिए। हाँ वो शायद खेलेगी, वो बता हमें, ये शायद वो उंगली से ऐसे करके खेलेगी, आवाज आएगी तो ना। बता दूसरा बता प्लीज, हाँ कमेंट में लिखना मेरे ओरिजिनल बाल में मैं कैसी लगती हूँ, मरीज लगती हो या फिर सायरा लगती हो या फिर भूतनी लगती हो। नहीं नहीं नहीं, रेखा की कॉपी डबल बन ही नहीं सकती दुनिया में, लोग बस खाली उनको देख के सीख सकते हैं साड़ी पहनना, ज्वेलरी पहनना और जिंदा दिली से जीना, पर सेकेंड कॉपी रेखा कभी बन नहीं सकती। और मुझे बहुत ज्यादा दिलो जान से पसंद है, मैं अपने आप को रेखा कभी नहीं समझती, पर मुझे उनकी जो फैशन की जो क्वालिटी है आई लव। माँ बेटे की शॉप, माँ बेटी की शॉपिंग हुई तो बेटा भी तो करेगा ना, लेकिन बेटा मेरा जाके बेचारा एक नंबर गया, बोलता मम्मा भाई के बाजू सोता हूँ ना तो यही तकलीफ, कोल्ड हो गया। अली को हमेशा कोल्ड रहता है और ये भाई सबको भी कोल्ड लग गया, तो हम लोग गए फिर कोल्ड की दवाई लिए मेरे बेटे के लिए। और मैंने अभी उसको बोली कि आज बहुत अच्छा लग रहा, क्या खाएगा, तो बोलता आप जो खिलाएंगे वो खाऊंगा, है ना। हाँ तो आज बेटा मैं बोली थी ना, जुमेरात था ना, तो मैंने बोली थी एकदम भरा घर क्लीन करना, मैं आके इंशाल्लाह सब चीजें करने वाली हूँ। एकदम कितना मस्त क्लीन, अच्छा बच्चा ने मेरे बेडशीट भी चेंज करके। ए पीनू तेरे लिए क्या लाई पता है, पीनू ओ पीनू आओ इधर आओ, मम्मा आओ, मेरे बच्चे को मैंने क्या लाई पता है तुमको, तुम्हारे लिए टॉयज लाई, इतना मस्त खाना लाई, आ जाओ चलो चलो आ जाओ मेरा बेबी। अरे मेरा बेबी अकेला बेटा था, अकेला बेटा था मेरा बच्चा, कितना बज गया अभी। चलो मम्मा का भी नमाज का भी टाइम होएगा, भाई को भी कुछ बना के देते हम लोग खाने के लिए। देख देख आई देख देख देखती देख, मम्मी दादी ने बहुत गिफ्ट लाई है मेरा मेरा बच्चा। कैसे खुशबू आ रही, देखना उसको खाएगा क्या बच्चा, आवाज कर आवाज कर, चल खा ले फिर अपन खेलेंगे, तेरे टॉयज भी लाई हूँ, साथ में साथ के बड़े बच्चे का भी काम होने वाला है इधर। बताती रुको, हाँ बेटा रुक जा, मेरे लिए तो मस्त ये दुकान है सुबह से।
पॉपकॉर्न चिकन बेटे के लिए और चिकन इसको क्या बोलते हैं चिकन ग्रेवी बेटी के लिए और आपके लिए आने के साथ में देखे आने के साथ बाल ऊपर बांधो मैं काम में लग जाऊं यही लाइफ होती है औरतों की बेचारी जो जॉब करते हैं वो लोग आके शाम को शुरू हो जाते हैं और जो घर में रहती है उनका तो कोई उनकी ड्यूटी का तो कोई टाइम ही नहीं रहता है जब ऑर्डर आया बच्चों का हो या हस्बैंड का हो या घर वालों का आ जाओ किचन में खड़े हो जाओ सब चीज के लिए हाँ मैंने कल आपको बताया थी ना अयुब गए लेकिन आज बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं एक और पिन हो गई है लगता है उसको लग रहा है खाना खाएगा उसको मजा आ गया टेस्ट ले रही है क्या पीनू कौन आया ये कौन आया पीनू के पास देखना तो सुन रही उसको क्या है ये सब चीज करके चलो भाई अजान भी हो गई Artlist.io बस अब मैं हो गई अकेली मगरिब के बाद फिर बच्चे अपने अपने काम में चले जाते हैं और अमीन जैसे कि ब्लॉग डालने के बाद हो फिर उसके बाद उसका कुछ काम रहता है तो बेचारा दिन भर मेरे साथ में लगा रहता है सुबह 2:30-3 तक तो अपने काम में लगा रहता है बस उसको फिर जैसे टाइम मिलता है बच्चा मेरा ये सब काम करके जाता है जिम तो अमीन गया जिम और अली तो काम पर है अभी तक आया नहीं और मगरिब से मैं हो गई फारिग और सुबह आज मैंने तिलावतें नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे जाना था 2-3 जगह तो फिर मैं बोली अब खाली टाइम रहता है तो मैं ऐसे भी अगर सुबह भी लगाई रहती हूँ ना तो शाम को भी फिर एक तिलावत है जो मैं सुनी हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है सूरह यूसुफ जो मैं शाम को लगाती हूँ तो मैं बोली अब चलो सुबह की भी तिलावतें बाकी है तो लगा लेती हूँ और उसके पहले चाय पीने बैठी तो देखो क्या करें मैंने चाय यहाँ पे भी गिरी और यहाँ पे भी गिरी क्यों गिरी क्योंकि मेरी खाला की लड़की का फोन आया था तो उससे बात करते करते पीते पीते मेरे यहाँ से थोड़े से लुढ़क गई चाय और जैसे कि मैंने आपको बताई थी ये जाने मास में मुझे लगाना है इत्र तो ये भी इत्र लगाती हूँ इसमें भी इत्र लगाती हूँ और मैं जैसे आपको बताती सुबह भी तिलावतें लगाती हूँ अगर कोई नहीं रहता तो बस यही जो काम में लगी रहती तो अभी भी मुझे वही काम है तो ये काम करती हूँ और आज मस्त अभी मेरे को खाना भी बनाना है तो तिलावतें चालू जब तक ये सारा काम करती हूँ उसके बाद मस्त खाना बनाने जाऊँगी तभी आपको बताती हूँ क्या खाना बनाने वाली हूँ एक और अंगूठी नहीं हटना पड़ेगा कहाँ पे गया था अली वो अंगूठी पहनने तू कहाँ गया था अमीन सूरत भाई किधर गए थे अंगूठी पहनने सूरत में किधर गया था ये क्या पता याद नहीं है भाई को नहीं फिर उधर ही जाना पड़ेगा आपको वापस भाई जिसको भी पाइल्स की प्रॉब्लम है तो जाओ सूरत में वहाँ पे अंगूठी पहनाते पाइल्स की और साथ में 1 किलो चिकन खिलाते फिर मेरा बेटा भी आ गया और दोनों बेटों ने आज हाथ भर भर के सामान लेकर आए घर में और मैं भी देखो उनके लिए कितना अच्छा ये कोकम वाली मूंग की कड़ी इसकी वजह से मेरा डाइट अभी भी मेंटेन्ड है हाँ अच्छा मेरे को लगा कुछ और है तेरे लिए चिकन भी बनाई थी आज है ना प्योर इंडियन मसाला मैरिनेटेड चिकन बारबेक्यू देख इसमें प्याज भी डाली प्याज के लच्छे
आज मेरे बेटों ने दोनों ने, ये छोटा वाला तो आपको पता है, बस बोल नहीं सकती मैं छोटे वाले को, अब बड़ा वाला छुपा रुस्तम है, सोशल मीडिया पे नहीं रहता पर मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, मेरी पूरी जहान में उसकी स्पेशल जगह है। और क्योंकि सारी जगह को कब्जा करके कौन बैठा है पता है? छोटा वाला। ये लाया छोटा वाला, इसके साथ नारियल पानी। और बड़ा वाला जैसे कि आज मेरा था फातिया दिला रही थी, तो मैं जब वो आया काम से तो फातिया चालू थी, तो मैंने फातिया में रखी थी किशमिश, तो मैंने तू बैठ नहीं रहा तो मैं तो नहीं आता हूँ ना, और गया फटक करके लेके आया 2 किलो नान कढ़ाई। मैं इतनी सारी क्यों? तो मेरे फातिया हो रही थी। मैंने तू कितना पागल है, फातिया होने के बाद लाएगा? मैं खा लूंगा कोई बात नहीं, और थोड़ा बांट देना वॉचमैन लोगों को, ऐसा बोलता है। मतलब एक बात समझे, जो घर से देखते है ना वही सीखते है। जैसे उसकी मम्मी, उसके डैडी को उसने देखा बांटते हुए बचपन, अमीन अली को सब अक्कल थी बराबर, अमीन बहुत छोटा था, तो इसीलिए ब्लड बोलता है, ब्लड, इसको बोलते हैं ब्लड बोलना। और हेयर एक्सटेंशन निकाल दी तो यार कितना मेरा माइंड अच्छे लग रहे हैं बेटा, अभी दादा अच्छे लग रहे हैं, बोलते अच्छे लग रहे तुम तो, पाजी भी मेरे को बोल रहे थे जा तू फ्रेश हो जा, हाँ। मस्त खाना खाओ और फिर थोड़ा ऐसा लगेगा तो नीचे जाके 15-20 मिनट वॉक करके आ जाओ। उसको देखते हुए इतने थक गए जैसे मेरे हाथ दुखते थे, तेरे को नहीं बोलते मैं पैर दबा हाथ दबा, बच्चा बॉल जकल ढकल के खेल खेल के थक गया, देखे सीधा हाथ लंबे करके बैठे लिए, ये दबाऊ अब मैं खाना खाके दबाती, खाना खाके दबाती, बच्चा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये है आगरी मसाले की मूंग कड़ी, और इसके साथ में कोकम डालती हूँ, बहुत टेस्टी बनते है ये। रेसिपी मैंने बनाई नहीं हूँ, इंशाल्लाह कभी वेज बनाऊंगी तो ये वाली करी जरूर बताऊंगी आपको बनाना। और उसके साथ, इसके साथ खाए जाते हैं स्टीम राइस, और अगर आपको प्याज पसंद है प्याज मार के खाना। और अमीन के जो है चिकन आपको बताई थी, इंडियन मसाले इसको मैरिनेट की थी, और टोस्ट उसने बना लिया है, तो बस मुझे लगता है अली वहाँ, अरे बस कर कितना कांदा तोड़ेगा। चल आज मैं तेरा पसंद है भाई को ना, हाँ तेरा चिकन टेस्ट करती हूँ, आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। फिर जलानी है ये, लोग बोलेंगे जली है लिख के, इसको कबाब जैसा पसंद है मुझे भी, अभी इसको देख देख के मेरा इतना दिल कर रहा ना मटन कबाब खाने को। हमारे मैंगलोर में क्या करते हैं, बरसात के पहले ना मटन को हल्दी और नमक लगा के सुखा देते रस्सियों पे, और उसके बाद उसको स्टोरेज करके रखते हैं, जब बरसात होता है ना तो तभी उसको या तो तलते हैं, या तो भी जो चूल्हे में हम लोग खाना बनाते हैं ना गांव में, तो वो चूल्हे में उसको डाल देते, और फिर वैसे एकदम मस्त सिक जाता है, फिर उसको चूल्हे से निकाल के ऐसा झटक के साफ करके कटक कटक करके खा देते। इतना मेरा मन कर रहा है ना इसकी रोज चिकन ऐसे कड़क कड़क देखकर, तो शायद मैं 1-2 दिन में बनाने वाली हूँ, मस्त मटन के पीस लेके आके कूट के मसाला लगा के उसको इसके अंदर रोस्ट करके एकदम कड़क करके मजे लेके खाने वाली हूँ। खाना खाने के बाद अचानक अली की तबीयत थोड़ी हो गई खराब, और फिर अमीन बोला चलो भाई, वो बहुत आलस करता है अमीन, अली है ना बहुत आलसी है, तो बोला नहीं नहीं, तो अमीन बोला चलो भाई मैं आज चलता हूँ डॉक्टर के पास चलते, तो अमीन लेके गया उसको डॉक्टर के पास, बोला मम्मी मैं भाई को लेके आता हूँ और दवाई लेकर आता हूँ, तब तक आप लेटो और अगर नींद आएगी तो सो जाओ, हम लोग अभी बस आधे घंटे में ऊपर आते हैं। और आपको बताओ एक चीज से मैं कब से कंफ्यूज हो रही हूँ, ये देखो ये तो भागी 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 और बॉल खेल खेल के तो ऐसे भाग रही है ना, उसकी तो बहुत ही मजा। और ये रूम में आ रही हूँ ना अचानक में, तो ये मैं पिनू के लिए आज लेकर आई थी ये, और ये जब ऐसे ऐसे बैठे रहती है ना ये, इसको टॉयज को ऐसे रखे ना, तो मुझे ऐसा अचानक में यहाँ आती तो ऐसा फील होता है कि पीनट बैठी है, लेकिन फिर याद आता है कि ये तो टॉयज है। तो फिलहाल तो, और ये देखो नई चद्दर पे रजनीगंधा गिरने की वजह से देखो पूरा खराब हो गई चद्दर, और नई चद्दर है मेरी, तो फिलहाल तो चलो जैसा भी है, बस दिन गुजर गया। या ऐसे ही मेरी ज्वेलरियां घूमती है देखो, नो स्पिन ठीक है, ऐसे ही घूमती है, अभी वो दिख गई मेरे को तो उठा के रख दी, नहीं तो ऐसी सब चीजें मेरी यहाँ वहां होती रहती है। और आज ड्रेस में ही सोने वाली हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ फिर नमाज के लिए उठती हूँ, तो फिर चेंज करने कभी दिल होता है, कभी फिर गाउन में ही पहन लेती हूँ, पर ये कॉटन के ड्रेस है, इतनी कुछ तकलीफ नहीं देने वाली चीज है, तो मैं बोली चलो इसमें ही सोती हूँ। अब बस एसी चालू करती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, और इंशाल्लाह जो मैं पढ़कर सोती हूँ इंशाल्लाह वो पढ़ के बस अपने गुनाहों की माफी मांग के और मेरे माँ बाप के लिए दरूद शरीफ भेज के जजाक अल्लाह, इंशाल्लाह सुबह जिंदगी रही तो मिलेंगे। और आप सबको भी अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जैसे भी रहेगा, अगर सुबह उठे तो मिलेंगे, नहीं तो ये आखिरी सलाम।